अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये इंग्लिश पी का ग्रामर का काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो हमने कर ली है ना। देखा आपने, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस आपको मैंने करवा दिए हैं। अब इसका ये देखें, राइट काइंड ऑफ द सेंटेंस इन द कॉलम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। उन्होंने कहा यहाँ पर ये सेंटेंस से लिखे हैं, यहाँ पर आपने काइंड लिखना है, यानी काइंड जो होती हैं इसकी ये किस्में आपने बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। ये सिक्स सेंटेंस हैं, ये देखें, दे स्टडी लेट एट नाइट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये देखें सामने मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डोंट आ गया, ये नॉट लिखा गया है ना, नहीं वाला फिक्र है, मनफी वाला, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज़ लाफिंग, ये सादा फिक्र आ रहा है, मुसबत जो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, शी इज़ लाफिंग, हंसली, तो ये सादा है। अब व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये सवाल पूछा गया है, वो आपको पता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, जो सवालिया फिक्रात होते हैं, इसलिए इसके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है। दे आर नॉट वॉचिंग मूवीज़, वो मूवी नहीं देखते, तो ये नेगेटिव है ना, वो नहीं देखते, नॉट वाला पता है आपको समझाया था कि जिसमें नॉट आएगा तो वो नेगेटिव होगा, इसलिए इसके सामने नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। यू आर रनिंग, तुम भाग रहे हो, तो ये सादा फिक्र है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा गया है। इसमें सिर्फ एक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये सवालिया फिक्र है, कुछ इसमें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, ये सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आपने इसको इस पर लिखना है और इसको याद करना है और बुक के ऊपर ही करना है आपने।